मौसा जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ मौसी माँ? ओहो ठीक है, तुम सब्जी खरीद लेना, खाना हम बना देंगे या फिर भाभी। भाभी क्या बात है मौसी माँ, कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? भाभी आप दोनों ऐसे क्यों बैठे? भैया बताओ तो क्या हुआ? ये सब क्या बकवास है, ये बिल्कुल सच नहीं हो सकता है, ये सब झूठ है। केटी और रचना से कभी नहीं कर सकते। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। इससे आगे की वो कुछ कहता, लाइन कट गई और फिर ना उसका फोन लगा ना फोन आया। और तुम हमें अब बता रही हो, उसी वक्त क्यों नहीं बताया? मौसी माँ, I'm so sorry, लेकिन काफी रात हो चुकी थी और आप लोग सब अपने कमरों में सोने चले गए थे। और केटी ने साथ में ये भी कहा था कि वो दोनों ठीक है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को परेशान नहीं करती हूँ। और अब जो हमें परेशानी हो रही है उसका क्या गुंजन? तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो? एक बच्ची जब घर से सारी रात बाहर रहती तो एक माँ के दिल पर क्या गुजरती है जानती हो तुम? दीदी दी शांत हो जाइए, गुंजन ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। यही सोचा होगा ना कि रात को आपको बताएगी तो आप परेशान होंगी। क्या हासिल होगा उसे, अब रचना वापस थोड़े ही ना आ जाती। दीदी हम पहले ही कह रहे थे ना कि ऐसी लड़की को अकेले मत भेजिए। शेलबेन जी है? जी वो शेलबेन जी, आपसे एक बात पूछनी थी। आज अखबार में जो फोटो आया है वो रचना का ही है ना? और उस लड़के को तो हमने यहाँ पर कई बार आते हुए देखा है। वैसे तो बड़ी सीधी सादी दिखती है आपकी रचना। देखो बहन जी, फैशन और ये चमक दमक की दुनिया होती है ना, वो बड़ी धोखे वाली होती है। आप जरा संभल के रहना, बाकी तो देख ही रहे हो, शादी से पहले ही सुहागरात मन गई। आंटी जी, अखबार में छपा हर लफ्ज और तस्वीर सच नहीं होती है, इसलिए प्लीज आप अपनी राय अपने तक रखें तो अच्छा होगा। देखो इस तरह अखबार में फोटो नहीं छपती, जरूर कुछ न कुछ हुआ होगा ना। अच्छा अगर मैं आपकी फोटो कंप्यूटर में डाल दूं और आपको सलमान खान की बाहों में डाल दूं, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि आप सच में सलमान खान की बाहों में थी? देखिए प्लीज हम पर मेहरबानी कीजिए, आप जाइए और हमें भी अपना काम करने दीजिए। नमस्ते। देखो बेटा, हमें चुप कराने से कुछ नहीं होगा, ये खोई हुई इज्जत है ना वापिस आने से रही। इज्जत? जो इज्जत अखबार की एक झूठी तस्वीर पर टिकी हो वो इज्जत नहीं, बकवास कहलाती है। एंड सच तो ये है कि मैं आप लोगों से कई ज्यादा अपना सर ऊंचा करके चल सकती हूँ। बताइए क्यों? क्योंकि मैं दूसरों के घर में जाकर उनके काम में और फिजूल की बातों में अपनी टांग नहीं अड़ाती हूँ। प्लीज जाइए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हो। आपके पास बहुत फालतू टाइम होगा लेकिन हमारे पास नहीं, प्लीज जाइए। नमस्ते। हाँ हाँ जा रहे, हमें अभी आपके घर में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो बहन जी चलो,
अरे मैं तो बोलूँ, भलाई का तो जमाना ही नहीं है, अरे ऐसे कोई जवाब देता है? नहीं नहीं, आपको तो थोड़ी तमीज होनी चाहिए, बड़े बुजुर्ग दरवाजे पे आए और आप ऐसे ही बोल दिया। रात भर घर से बाहर थी। कैसे माँ बाप है, जाने कैसे देते हैं? मॉडर्न जमाना है, हिम्मत तो देखो, दोनों साथ में घर भी वापस आ रहे। केती, आपसे कुछ कहना था। बोलो। आपने हमारी जान बचाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिस गर्ग, एक मिनट, मैं अभी तुम्हारे साथ आता हूँ। नहीं नहीं केती, हम चले जाएंगे। बात वो नहीं मिस गर्ग, आफ्टर ऑल मैंने तुम्हारी फैमिली से झूठ बोला है और मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनसे माफी मांगूं, उन्हें सच बताऊं। चलो। दिखने में तो कितनी शरीफ लगती है और लक्षण तो देखो। नमस्ते आंटी। ये लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? आई होप कि सब ठीक हो। मेरे यकीन मानिए, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो सच है, ये सच नहीं है। हाँ मम्मी, यही सच है। पेपर में जो भी छपा है सब झूठ है, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। रही फोटो की बात, वो धोखे से खिंचवाई गई है ताकि हम पे, आप पे, हमारे परिवार पे। रचना, नहीं बेटा, सब समझते हैं। हमें अपनी बेटी पर भरोसा नहीं। पूरा भरोसा है। हाँ बेटा, पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।